साथ और करते हैं खास खबरों की ओर। मोहम्मद नईमुल्ला द्वारा मस्ती एजुकेशनल ट्रस्ट में हुई बैठक जिसमें अल्लाह बख्श, शबीर पाशा, फयाज खान, सैयद मुजम्मिल, मोहम्मद साजिद, सैयद मुख्तियार के मार्गदर्शन में काउंसलिंग और कोचिंग अकादमी सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की जाएगी। इसमें सिविल सेवा, IAS, ग्रुप सी स्तर की परीक्षा, PSE और कांस्टेबल परीक्षा, FDA, SDA, FDC, SGC और अन्य विभागीय परीक्षाएं के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीनियर सुफा फाउंडेशन जो है एक ऐसा इदारा जो कौम की दीनी तालीम और असली तालीम दोनों के ऊपर जो है मेहनत कर रहा है। दीनिया सुफा फाउंडेशन की इब्तदा तकरीबन एक 10-12 साल पहले हुई हुस्कुटे में, जिसमें जो है तमाम जिम्मेदारान जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिल्डर्स वगैरह इसमें शामिल हैं, ये उलमा इकराम की रहनुमाई में इदारा चल रहा है। और इस इदारे के तहत ख़ास मकासद जो है एक दीनी तालीम है, दूसरा अपनी असरी तालीम, और तीसरा जो है अभी हमारे बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ उनको फ़र्क दिलाना। इस सिलसिले से पहले शुरुआत कैसा हुई कि दीनिया सुफा फाउंडेशन में 18-19 ताल्लुक है हमारे, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 18-19 ताल्लुक हैं। इसमें से हर जगह एक जोन के तौर पर ये जाना जाता है। माशाल्लाह मालूर में अमन ट्रस्ट और दीनिया सुफा फाउंडेशन की तरफ से मालूर में है, जहाँ पर दीनी तालीम और ऐसे ही इसी तरह का जाल जो है सारे 18-19 ताल्लुकों में भी है। पहले जो है बच्चों को 6वीं से लेकर जो है 11 साल तक, 6 साल से 11 साल तक जो है बच्चों को दीनी तालीम दिलाना, यानी दीनी तालीम कुरान हदीस से आरस्ता करना और उनके अकायद वगैरह को ठीक करना, ये काम चलता है। और उसके बाद 11 से बच्चों को जो है एक फाउंडेशन कोर्स के नाम से हमें जो है ईजाद होकर है, जिसमें बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक एक फाउंडेशन कोर्स रखा गया है, जिसमें जो आगे चलकर बच्चे इंजीनियरिंग और नीट वगैरह करना चाहते हैं उनके जो है इंजीनियरिंग और नीट के मेडिकल के कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा जो है उसमें समझाया जाता है, ताकि बच्चा 6 साल तक अगर ये पढ़े तो उसे नीट या इंजीनियरिंग या कोई और इम्तहान क्रैक करना आसान हो जाए। उसके बाद जो है हमारे ग्रेजुएट्स का मसला आता है। हमारे ग्रेजुएट्स के लिए हमने ये सोचा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो KPCC हो या UPSC हो, UPSC जैसे कि IAS, IPS वगैरह है, KPCC जैसे कि KS है, FDA है, SDA है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, PC है, इन सारे जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं ट्रेनिंग। इसके बेसिस पे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, अगर उसकी उम्र 18 साल हो तो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है 21 साल उम्र होना है और डिग्री कंप्लीट होना है, ये बच्चे जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आगे आने वाले नोटिफिकेशन जैसे कि FDA है, SDA है, KS प्रिलिमिनरी है, और इन सब की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे उन सेंटरों में दी जाती है। अगर कोई बच्चे जो है IAS करना चाहते हैं, UPSC एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हैं, तो उनको हमारे मंगलूर भेजने का भी इरादा है। और मालूर से माशाल्लाह एक हमारी बच्ची जो है सुमैया, वो मंगलूर गई हुई है वो IAS करने के लिए, उसके जो है सारा अखराजात वगैरह जो है ट्रस्ट ही बेयर कर रहा है। इसके अलावा जो भी हजरात जो है सारे हजरात जो भी हजरात इंटरेस्टेड हैं और सारे हजरात की तवज्जो में इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो हुकूमत से रिजर्वेशन दिया गया है 4%, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं और आला तालीम के लिए, आला से आला तालीम के लिए कोशिश करें। और बच्चों में जो है वो ड्रॉप आउट्स वगैरह जो हो जाते हैं उनकी तरफ जो है ध्यान दें और उनकी रहनुमाई करें और उनकी काउंसलिंग करें, और उससे पहले जो है उनके माँ बाप की काउंसलिंग करें और समझाएं कि आला तालीम की कितनी अशद ज़रूरत है आज के हमारे माशरे में और माहौल में। शुक्रिया। दीनिया सुफा फाउंडेशन DSF के नाम से जो ये एकेडमी कायम होकर है इस इलाके में, इसका मकसद यही है कि नौजवानों को, अंडर ग्रेजुएट्स हो जो ग्रेजुएट्स कम्प्लीट कर करें, उनको जो है सरकारी नौकरियों में जाने के लिए कोचिंग देना, उनकी रहनुमाई करना, IAS हो,
सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS हो, KAS, KPS हो, या उससे दूसरे जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स हो, FDA हो, SDA हो, FDC, SDC, PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के SSC जो एग्ज़ाम्स हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इन डिपार्टमेंट्स में नौजवानों को जो है जिस मालूम ना होने की वजह से आज हमारा जो परसेंटेज है सरकारी इसमें नौकरियों में 2% से भी कम है हमारा। 14% आबादी वाली इस कौम में सिर्फ 2% लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है। जो रिजर्वेशन कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से 4% हमें मिलकर है, वो परसेंटेज को हम लोग पूर्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट्स में कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और ग्रेजुएट्स जो कंप्लीशन में होगा है डिग्री, उनको किस किस जॉब में अपॉर्चुनिटीज हैं, कब नोटिफिकेशन आता है, किस तरह का प्रिपरेशन करना है इम्तहान के लिए, और क्या सिलेबस पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है। इसकी फिक्र लेते हुए जो है कुछ मोतबर हजरात, कुछ तालीम याफ्ता लोग, उलमा इकराम ने बैठ कर ये चीज़ तय करी और DSF अकेडमी को कायम किया। जैसा कि ये बात हम सबको मालूम है, मुसलमानों के अंदर तालीमी पसमानदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के अंदर तालीमी पसमानदगी दलितों से भी ज़्यादा बढ़कर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मास्टी के अंदर DSF से तरगीब लेते हुए हमने भी एक इदारा कायम किया है मास्टी एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जिसका रजिस्ट्रेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के अंदर हो गया है, और फरवरी 1 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मास्टी के अतराफ अकनाफ के तलबा के लिए SSC के लिए कोचिंग का हमने बाकायदा इंतज़ाम किया है। कन्नड़, इंग्लिश और मैथ्स के लिए इसके अंदर बाकायदा हम कोचिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं। 3 असातिज़ा को हमने मुकर्रर किया है, उनका सारा खर्च जो है ट्रस्ट की जानिब से अदा किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है, एक ही दिन में इसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत है और इसके अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हम 1-2 साल के अंदर इसका अगर नतीजा देखने की कोशिश करेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा। इसके लिए बाकायदा 10-15 साल की मेहनत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मास्टी के अंदर जो भी होगा, इंशाल्लाह DSF के साथ मिलकर हम इसे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और तमाम जो भी मुखलिस हजरात हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए इससे ज़्यादा कोशिश करें। इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो भी मदद लोगों को चाहिए, तलबा को चाहिए, इंशाल्लाह मास्टी की तरफ से और DSF की तरफ से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर भी जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।